हेलो दोस्तों, अगर आप लोग सऊदी में रहते हैं और खास करके जो लोग जिद्दा में रहते हैं उन लोगों के लिए आज की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तो आप लोग ध्यान से सुने, पहले इस बात को ध्यान से सुने, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। और आज से कर्फ्यू का जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। पहले शाम 7 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक का टाइम था, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शाम 3 बजे से ही इसका टाइम लगा दिया गया है। जैसे आपको पता होगा, पहले रियाद, मक्का और मदीना में इसका टाइम बढ़ाया गया था, लेकिन आप जिद्दा को भी इसमें शामिल कर, क्योंकि कोरोना वायरस का जो केस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वर्ल्ड में और दुनिया में। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा भी पाया गया है और दूसरा नंबर पे इटली है, और अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है। और सऊदी अरबिया का जो केस है कोरोना वायरस का अभी 1299 पे पहुंच चुका है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। तो आज से जिद्दा में भी कर्फ्यू का टाइम बढ़ा दिया गया है, तो आप लोग बाहर न निकले घर से। तो आज से जिद्दा को भी लॉकडाउन कर दिया गया है, कोई भी इंसान शहर से बाहर नहीं जा सकता है। और कोई भी इंसान अगर शहर में आना चाहता है तो वो भी नहीं आ सकता है, क्योंकि पूरी तरह से जिद्दा को लॉकडाउन कर दिया गया है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि वायरस का खतरा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और इन शहरों में बहुत ज़्यादा फैला है। तो इसलिए यहाँ के गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि इस शहर को भी अब लॉकडाउन किया जाए। और आज से कानून लग चुका है, तो आप लोग बिल्कुल बाहर न निकले, घर से बाहर न निकले, और गाड़ी भी न चलाए। और नहीं तो आप पकड़े जाते हैं घर से बाहर निकलते हुए और गाड़ी चलाते हुए, तो आपके ऊपर 10,000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। मेरे भाई, बहुत सारे इंसानों को 10,000 रियाल का जुर्माना लगा है और उसको भरना पड़ा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कानून आता है उसको फॉलो करें, उसको तोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो मजाक में भी यहाँ पे भारी पड़ जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए रूम से बाहर निकलते हैं और थोड़ा साउंड बजाते हैं, उसके बाद भागने लगते हैं अंदर घर में की तरफ। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इस पर भी जुर्माना है। जो लोग मजाक मस्ती में भी ऐसे वीडियो बनाते हैं और कानून को तोड़ते हैं और खुद अपना वीडियो बनाते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कि हमने कानून को तोड़ा लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को 5 साल का कैद हो सकता है अगर फंस जाएंगे तो। अगर ऐसे करते हुए कोई भी इंसान करता है, अगर आप भी वीडियो बनाकर यहाँ के गवर्नमेंट को, यहाँ के ऑफिस में भेजते हैं कि ऐसा कर रहा था इंसान, अगर वो फंसता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकता है। तो एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से, खाने पीने की जो चीज़ें हैं ज़्यादा करके खरीद ले, स्टॉक करके खरीद ले, नहीं तो आने वाले टाइम में अगर बढ़ता रहा तो पूरे शहर को 24 घंटा के लिए लॉकडाउन कर दिया जाएगा। कभी भी आप रूम से बाहर नहीं निकल सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, नहीं काम कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके खाने पीने की जो चीज़ें हैं धीरे धीरे करके स्टॉक कर ले, नहीं तो महंगाई भी बढ़ रही है यहाँ पे हर चीज़ का। जैसे हम लोग के देश में पूरा 24 घंटे के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है और बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है घर से, रूम से, तो यहाँ भी हो सकता है ऐसा। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें और ये अपना ख्याल रखें, और खाने पीने का जो चीज़ है हमेशा मुहैया करके रखें कि अगर लॉकडाउन होता है तो खाने पीने का जो चीज़ है हम स्टॉक करके रख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल है सदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।